क्या आपने कभी इंडिया के सबसे जहरीले सांप को देखा है, जिसके एक बार काटने पर इतना जहर निकलता है कि उससे 60 लोगों की मौत हो सकती है? और क्या आपने कभी ऐसे सांप को देखा है जो कि दूसरे सांपों को मार के खा जाता है? और ये सांप इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताऊंगा, जिनका काटा पानी भी नहीं मांगता है। और गाइस, इंडिया के 10 सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में एक सांप ऐसा भी है जो कि दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है, और उस सांप को इंडिया में लोग अपने घरों में पालते हैं। तो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 मोस्ट वेनम्स स्नेक्स इन इंडिया, जिसमें नंबर 10 पर है बैंडेड क्रेट। ये सांप देखने में आपको जितना खूबसूरत लग रहा है, उतना ही ये खतरनाक भी है। ये सांप क्रेट स्नेक्स की लिस्ट में सबसे लंबा होता है, जिसकी लंबाई 6 फुट 11 इंच तक होती है। ये सांप ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिजोरम, आसाम और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। ये सांप जहरीले होने के बाद भी जल्दी किसी को नहीं काटते हैं, जब तक कि खुद इन्हें किसी से खतरा ना हो। जब इन्हें किसी से खतरा महसूस होता है तो ये सांप उस पर हमला भी कर सकता है। इन सांपों के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इन सांपों का मुख्य भोजन दूसरे कम जहरीले सांप है, मतलब कि ये सांप अपने से कम जहर वाले सांप को मारकर खा जाते हैं। इस चीज को अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सांपों की जनसंख्या बढ़ने से रोकते हैं। ये सांपों के अलावा मछली, मेंढक और दूसरे सांपों के अंडे भी खाना पसंद करते हैं। नंबर 9 पर है अंडमान पिट वाइपर। ये सांप देखने में बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन सांपों की स्किन कांटेदार होती है और ये 60 से 110 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये सांप इंडिया के आइलैंड्स पर ज्यादातर पाए जाते हैं, और ये सांप किसी भी चिड़िया या जानवर पर हमला करने से पहले बहुत समय तक घात लगाकर बैठा रहता है, और जब ये उस पर हमला करता है तो इस सांप के एक बार में ही वो जानवर या चिड़िया मर जाती है। इस सांप का कलर सूखे हुए पत्तों की तरह होता है, जिससे ये सांप अगर पेड़ पर कहीं छिप जाए तो फिर ये दिखाई भी नहीं देता है। नंबर 8 पर है बंबू पिट वाइपर। इस सांप को इंडिया में ट्री वाइपर और इंडियन पिट वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप ज्यादातर झाड़ियों और बांस के पेड़ों पर पाया जाता है, और इसका ग्रीन कलर होने की वजह से ये दिखाई भी नहीं देता है। इस सांप को आप देखते ही डर जाओगे, क्योंकि इसका मुंह किसी खतरनाक सांप से कम नहीं होता है। बंबू पिट वाइपर की लंबाई 2.5 फुट तक होती है, जो कि ये सांप मेंढक, छिपकली और कीड़ों को अपना शिकार बनाता है। ये सांप ज्यादातर इंडिया में पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, जहां पर साल भर में इन सांपों के काटने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। नंबर 7 पर है मालाबार पिट वाइपर। ये सांप बहुत से कलर्स में पाया जाता है, जैसे हरा, पीला, भूरा, इन सारे कलर्स में इस सांप को देखा जा सकता है। ये सांप 105 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जो कि साउथ इंडिया के वेस्ट घाट पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये सांप इतना जहरीला होता है कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इसके काटने के बाद उस इंसान की बॉडी फूलने लगती है और पूरे शरीर में तेजी से दर्द होने लगता है, जिससे उस इंसान की एक दिन के अंदर ही डेथ हो जाती है। ये सांप मेंढक, गिलहरी और दूसरे जानवरों के अंडे खाते हैं। नंबर 6 पर है हम्प नोज पिट वाइपर। भूरे और चौड़े मुंह वाला ये सांप 30 से 45 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, और ये सांप अपने आप को पत्थरों और पत्तों के बीच में बहुत ही आसानी से छिपा लेता है। ये सांप इंडिया में ज्यादातर साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, और इसे कॉफी के बागानों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये सांप नाइट के समय और सुबह के समय में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, और अगर इस सांप ने किसी भी इंसान को काट लिया तो 1 घंटे के अंदर ही उस इंसान की मौत हो जाएगी। नंबर 5 पर है किंग कोबरा। गाइज, इस सांप के बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि किंग कोबरा इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, और इस सांप को आप में से बहुत सारे लोगों ने रियल में देखा भी होगा। कुछ लोग तो इस सांप की लंबाई देखकर ही डर जाते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई 13 फुट से 15 फुट तक होती है। किंग कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जो कि अगर किसी इंसान को काट ले तो इसके काटने के 30 मिनट बाद ही उस इंसान की मौत हो जाती है, अगर उसे एंटीडोज नहीं दिया गया तो। ये सांप जहरीले जरूर होते हैं, लेकिन जल्दी किसी इंसान पर हमला नहीं करते हैं, जब तक कि इन्हें खुद उससे खतरा ना हो। ज्यादातर ये सांप इंडिया के केरला में पाए जाते हैं, और ये सांप 20 साल तक जिंदा रह सकता है। ये किंग कोबरा सांप इतना खतरनाक होता है कि दूसरे सांपों तक को मार के खा जाता है। नंबर 4 पर है सौ स्कॉल्ड वाइपर। ये सांप लंबाई में तो छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ही अग्रेसिव स्नेक होता है, और इसी के साथ ही साथ ये बहुत ही फुर्तीले भी होते हैं, जो कि जब किसी चीज पर हमला करता है तो इसके हमला करने की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो आप देख भी नहीं पाओगे। ये सांप ज्यादातर पथरीले इलाके में पाया जाता है। इस सौ स्कॉल्ड
वाइपर को लिटिल इंडियन वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। इस सांप में हेमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सांप इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इंडिया में साल भर में 5000 से भी ज्यादा सांपों के काटने से होने वाली मौतों का जिम्मेदार यही सांप है। नंबर 3 पर है रसल वाइपर। ये सांप इंडिया का तीसरा सबसे जहरीला सांप है, जिसे इंडिया में कौरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप सिर्फ 3.3 फीट तक ही लंबा होता है, जो कि कुछ हद तक 100 स्कॉट वाइपर की तरह ही लगता है, लेकिन ये सांप 100 स्कॉट वाइपर से ज्यादा खतरनाक होता है और इसके हमला करने की स्पीड भी बहुत तेज होती है। रसल वाइपर में हेमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जिसके काटने से 45 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। इस सांप के काटने से इंडिया में साल भर में 25,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ होती है, तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये सांप कितना ज्यादा जहरीला और घुस्सैल होगा। नंबर 2 पर है स्पेक्टेकल्ड कोबरा। इस सांप को इंडिया में इंडियन कोबरा और नाग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे खतरनाक सांप है। ये ज्यादातर नदियों के किनारे, खेत और गांव के आसपास पाए जाते हैं, जो कि रेंगने वाले जीव छिपकलियों को और मेंढक को अपना शिकार बनाते हैं। आपने बहुत सारे मंदिरों में सांप की पूजा करते हुए देखा होगा, तो वो यही स्पेक्टेकल्ड कोबरा होता है। ये सांप बहुत ही जहरीले होते हैं, जिनमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, और ये सांप कोई इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ही पाए जाते हैं। ये सांप कितना ज्यादा खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इंडिया में हर साल 15,000 लोगों की मौत इसी सांप के काटने से होती है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं इंडिया के सबसे जहरीले सांप के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है इंडियन ग्रेट स्नेक। ये सांप इंडिया का सबसे जहरीला सांप है, जिसके एक बार काटने पर इतना जहर निकलता है कि उस जहर से 60 लोगों की जान जा सकती है। तो आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हो कि ये सांप कितना ज्यादा जहरीला होगा। ये सांप देखने में बिल्कुल ही काला होता है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर के कुछ धब्बे होते हैं, और ये सांप ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है, और जब कोई इंसान इस पर हमला करता है तो ये वहां से भाग जाता है। लेकिन अगर ये किसी कोने में फंस जाए और वहां से नहीं भाग सकता है, तो उस सिचुएशन में ये हमला करने से पीछे भी नहीं हटता है, जिसका हमला इतना घातक होता है कि इसके काटने के 45 मिनट के अंदर ही उस इंसान की डेथ हो जाती है। इस इंडियन ग्रेट स्नेक की 12 प्रजातियां और 5 उप प्रजातियां हैं। इंडिया में हर साल 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत इसी सांप के काटने से होती है, और ये सांप नाइट के समय में अपने शिकार पर निकलता है। वैसे गाइस आपको ये इंडिया के 10 सबसे जहरीले सांपों में से सबसे खतरनाक सांप कौन सा लगा, और क्या आपने इन सभी सांपों में से किसी भी एक सांप को रियल में देखा है, और क्या आपने नाग और किंग कोबरा सांप को देखा है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इंडिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में पता चल सके। और यार आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ही तो करना है। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।